बुधवार को विशेष टीकाकरण अभियान रखा गया। बुधवार को 385 केंद्रों पर 32,000 लक्ष्य के साथ टीकाकरण हुआ। जिले में 16,73,000 से अधिक का यहां पर टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 100% यहां पर लक्ष्य के साथ जिले में सातों दिन टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि दूसरी डोज को प्राथमिकता देते हुए बुधवार को विशेष टीकाकरण महाअभियान 11 के अंतर्गत जिले में करीबन 385 केंद्रों पर 31,980 लक्ष्य के पहले और दूसरे डोज का यहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान में 11 में दूसरे डोज से बचे हुए लोगों को ढूंढकर टीकाकरण किया जा रहा है। तो वार्ड 1 से लेकर सभी 37 वार्डों में दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर घर टीकाकरण किया जा रहा है। जैन ने बताया कि जिले में 16,73,134 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 8,57,667 लोगों को प्रथम डोज लगाए गए हैं। वहीं 8,15,467 लोगों को दूसरा डोज संपन्न किया गया है और 85% आबादी टीकाकरण युक्त हो गई है। विकास जैन नखराली ने बताया कि जिले में ऐसे 30,000 से अधिक लोगों ने दूसरे डोज का टीका नहीं लगवाया। इन्होंने डोज के टीकाकरण से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि इनको प्रशासन के द्वारा बार बार मैसेज कर आग्रह किया जा रहा है। जैन ने कहा कि कोविड वैक्सीन कोरोना से बचाव का एकमात्र कारगर उपाय है। हम सभी एक दूसरे को दोनों डोज का टीकाकरण लगवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि जिले की जनता कोविड से सुरक्षित हो सके। नमस्कार। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में सातों दिन टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं आज बुधवार को विशेष टीकाकरण महाअभियान का आज शुभारंभ किया, 11 का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत 385 केंद्रों पर 32,000 लक्ष्य के साथ जिले में टीकाकरण किया गया। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप टीके के महत्व को समझें और टीका अवश्य लगवाएं। आज जिले में आज दिनांक तक 16,73,134 लोगों ने टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 8,57,667 लोगों का पहला डोज लगाया गया। तो वहीं 8,15,467 लोगों ने अपने दोनों डोज की खुराक संपूर्ण कर ली है। मैं उन ऐसे 25,000 लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने दूसरे डोज का टीका नहीं लगवाया, उन लोगों से आग्रह करता हूं कि आप टीके के महत्व को समझें और टीके का दूसरा डोज लगवाएं। टीका लगवाने के बाद भी हम सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाकर रहेंगे तो निश्चित ही हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे। सभी से आग्रह, टीके के लगवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।